आदि पुरुष से भी कम बजट में इंडिया चांद को छूने को तैयार है। आदि पुरुष फिल्म पर 700 करोड़ का खर्च आया था, जबकि इंडिया का चंद्रयान इससे भी कम बजट में चांद को छूने के लिए निकल पड़ा है। ये मिशन 2019 की उन वायरल तस्वीरों की याद दिलाता है जब चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद तब के इसरो प्रमुख बहुत भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना कंधा दिया और K7 तब के इसरो प्रमुख उनके गले लग कर फूट फूट कर रोए। ये मौका है उस नाकामी के धब्बे को धोने का और नया इतिहास रचने का। तो क्या है चंद्रयान 3? अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये इंडिया का एक फॉलो अप मिशन है। इससे पहले 2 मिशन चांद पर भेजे जा चुके हैं और खास बात यह है कि पहली ही बार में चंद्रयान ने सिक्सर मारा था। जी हाँ, पहली ही यानी मेडन फ्लाइट में चंद्रयान ने दुनिया को दिखाया अपना दमखम और कि पानी की खोज, वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज कर चंद्रयान 1 ने दुनिया को चौंका दिया था। ये मिशन 2008 में गया था। इंडिया के चंद्रयान 1 ने जब इतिहास रचा और कई उपलब्धियां हासिल की तो दुनिया का इंटरेस्ट और दिलचस्पी मून को लेकर कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका ने अपोलो मिशन के बाद फिर से इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी और ये मिशन इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। नाम है आर्टेमिस। तारीख 28 अगस्त 2009, यानी 10 महीनों में इस मिशन का काम पूरा हो गया। हालांकि जो तय मियाद थी, गौर करने वाली बात है कि वो 2 साल की थी, लेकिन महज 10 महीनों में चंद्रयान 1 ने अपना मकसद 95% तक पूरा कर लिया। इससे इंडिया का कॉन्फिडेंस, इसरो के वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया और इसने इंडिया के डीप स्पेस प्रोग्राम को जैसे नए पंख दे दिए। चंद्रयान 2 और दूसरे डीप स्पेस प्लैनेटरी मिशंस को इंडिया ने जोर शोर से आगे बढ़ाया और इसी कड़ी में 15 सालों के बाद लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 एक बड़े मकसद के साथ। तारीख 22 जुलाई 2019, 15 सालों के बाद एक बार फिर इसरो ने रुख किया चांद का, लेकिन इस बार मिशन काफी चुनौतीपूर्ण था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब कोई देश चांद के साउथ पोल का रुख कर रहा था। अभी तक मून पर लैंड हुए सभी मिशंस नॉर्थ पोल पर उतरे हैं, लेकिन इसरो ने अपने लिए एक डिफिकल्ट टारगेट तय किया और इस डिफिकल्ट टारगेट में 3 बड़े कंपोनेंट्स थे जो चंद्रयान 2 को लेकर उड़े, जिसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर जैसे मेन कंपोनेंट्स थे और इसरो ये पहली बार कर रहा था। साथ ही इसका वजन 8 हाथियों के वजन के बराबर था, जिसे लेकर उड़ा इंडिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर GSLV। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जटिल मिशन की जरूरत क्या थी इसरो को। जाहिर सी बात है, जरूरत इसलिए थी क्योंकि चांद इसका सब सरफेस और इसके एक्सोस्फेयर यानी बाहरी वातावरण की स्टडी बहुत जरूरी है स्पेस साइंस में, और इसी मकसद से इसरो ने चंद्रयान 2 को आगे बढ़ाया। वहां चांद पर जो चट्टाने हैं, जो क्रेटर्स हैं, जो खाई हैं, उनमें किस तरह के तत्व हैं, क्या वहां पर आइस है, वहां पर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें शोध का, स्टडी का विषय थी। साथ ही वहां के सरफेस की 3D इमेजेस लेना भी इस चंद्रयान 2 के मकसदों में शामिल था। जब ऑर्बिटर को आसानी से चांद की क्लास या कक्षा में प्लेस कर दिया गया तो जैसे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। 47 डेज में 384,000 किलोमीटर का सफर तय कर अपना चंद्रयान बस चांद को चूमने ही वाला था, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम हार्ड लैंडिंग के चलते क्रैश कर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रयान 2 एक फेलियर था। इसके नाम कई अहम उपलब्धियां हैं, जैसे कि पहली बार चंद्रयान 2 ने मून के सरफेस पर सोडियम की खोज की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। यही नहीं, जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 पर भेजा गया था वो आज की तारीख में भी यानी 4 साल के बाद भी लगातार परफेक्टली काम कर रहा है। हालांकि इसकी ड्यूरेशन 1 साल की थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की दक्षता कही है कि ये बीते 4 सालों से जबरदस्त काम कर रहा है और अगले 3 साल यानी कुल 7 साल तक काम करेगा। एक और उपलब्धि, चंद्रयान 2 ने एक ऐसी गैस के बारे में पता लगाया और ऐसे स्थानों पर पता लगाया चांद के सरफेस पर जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस गैस का नाम है आर्गन 40। जी हाँ,
ये मौजूद तो है लेकिन किन किन इलाकों में हो सकती है इस बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं थी, तो ये एक और उपलब्धि। और अब आइए बात करते हैं चंद्रयान 3 की। आखिर ये मिशन इतनी अहमियत क्यों रखता है? अगर इंडिया चंद्रयान 3 में सफल रहा और कामयाबी से इस मिशन को पूरा कर पाया तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ चीन, अमेरिका और रशिया के पास ये उपलब्धि है। इस मिशन पर आया है 600 करोड़ से ज्यादा का खर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े खर्च की जरूरत क्या है? वाजिब बात है, दरअसल चांद पर छिपे हैं धरती, सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स के बनने और पनपने के राज। जी हाँ, चांद पर क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर 4.5 बिलियन साल पहले जो कुछ हुआ वो आज भी उसी तरह सुरक्षित है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के जरिए हमें धरती की उत्पत्ति और यहाँ हुए बदलावों को लेकर बहुत अहम क्लूज मिल सकते हैं। और भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बनाने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए भी चांद पर और ज्यादा रिसर्च और स्टडी की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि चांद पर मिशन भेजना या स्पेस प्रोग्राम से वैज्ञानिक कारणों से मायने रखते हैं तो आप गलत हैं। इंडिया को इसका कमर्शियल फायदा भी जमकर मिला है। कैसे? इंडिया ने 1999 से 2022 के बीच 3 सालों में ही 34 देशों की 381 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली भेजा, जिनमें ब्रिटेन की वन वेब कम्युनिकेशंस की एक साथ 36 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। और इसके जरिए पता है इंडिया ने कमाया कितना रेवेन्यू? $279 मिलियन है ना, भारी भरकम रकम। और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जो स्पेस इकोनॉमी है उसका साइज इतना बड़ा है कि इंडिया के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। अभी इंडिया की भागीदारी वर्ल्ड की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2-3% है, लेकिन लक्ष्य 2030 तक इसे 10% करने का है। दो बड़े रीजंस हैं जिसके चलते इंडिया एक फेवरेट प्लेयर बन रहा है सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए। पहला तो ये कि इंडिया में दूसरे देशों के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जिसके चलते सैटेलाइट की जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो भी घट जाती है और इसे सैटेलाइट भेजने वालों को काफी फायदा होता है। दूसरी अहम बात यह है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो शानदार है। इंडिया का सबसे बड़ा वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV अभी तक 95% से ज्यादा का सक्सेस रेट दे चुका है। इसने 2022 तक 55 सैटेलाइट लॉन्चेस की, जिसमें से 52 कामयाब रही, जो कि अपने आप में एक वंडरफुल रिकॉर्ड है। स्पेस इकोनॉमी के 2025 तक $600 बिलियन को क्रॉस करने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि इंडिया में अब स्पेस टेक स्टार्टअप्स की जैसे बाढ़ आ गई है। 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर 400 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं, यानी एक बहुत बड़ा बाजार है। अफोर्डेबल इंजीनियर्स हैं, जिसके चलते इंडिया एक फेवरेट प्लेयर बन रहा है स्पेस की दुनिया में। साथ ही जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इंडिया को मिल रही है जबरदस्त एडवांटेज। और ये रीजन क्या है? दरअसल लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस के मामले में अभी तक रशिया और चाइना, ये दो प्लेयर्स हावी रहे। लेकिन रशिया क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है और उसके पास सैटेलाइट लॉन्चेस का समय भी नहीं है और रिसोर्सेज भी कम है। और दूसरी तरफ चाइना की USA के साथ तकरार और टेंशंस के चलते बहुत सारे देश इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने गजब का रिकॉर्ड अभी तक सैटेलाइट लॉन्चेस में दिखाया है और इंडिया पॉलिटिकली भी सेफ है। चंद्रयान 3 इंडिया के स्पेस जर्नी का एक अहम पड़ाव है, लेकिन यात्रा अभी बहुत लंबी है। इंडिया की नजरें स्पेस की दुनिया को फतह करने पर हैं। जल्द ही इंडिया पहली बार ह्यूमन स्पेस मिशन भेजने जा रहा है, जिसका नाम है गगनयान। इसमें होंगे 3 क्रू मेंबर्स। यही नहीं, पहली बार सूरज पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 नाम का एक सोलर प्रोब भी इसरो भेजने जा रहा है। तो पहले चंद्रयान, फिर मंगलयान और अब गगनयान, इसके बाद सूरज को छूने की तैयारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यहाँ मिली जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।